हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 आईसीएसई की हिस्ट्री की लेसन नंबर 6, द मुगल एम्पायर। पहले देखेंगे हु वर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे। द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स ऑफ द मंगोली इन द सेंट्रल एशिया। मुगल्स एक्चुअली मंगोल्स के डिसेंडेंट माने जाते हैं, कि मंगोल्स पहले आए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके मुगल्स आए थे। दे वर द टॉल, हैंडसम, स्ट्रांग एंड द ब्रेव, और वो बहुत ही लंबे, हैंडसम और एकदम ब्रेव थे। दे यूजअली कैप द थिक बियर, और वो जनरली बड़ी सी लंबी सी घनी सी दाढ़ी रखते थे। द मुगल हैड डेवलप अ न्यू आर्ट ऑफ अ वॉरफेयर। देखने जाए तो मुगल का अपना ही लड़ने का स्टाइल था। द यूज ऑफ आर्टिलरी विथ हिज एडवांटेज, दे एस्टैब्लिश अ बिग एम्पायर ओन बाई द कंक्वरिंग टुर्किस्तान एंड द नॉर्दर्न चाइना। देखने जाए तो उनकी स्किल बहुत ही अच्छी थी आर्टिलरी आर्मी को चलाने के लिए, इसलिए वो बहुत ही बड़ा एम्पायर हासिल करने में, कॉन्कर करने में सक्सेसफुल रहे, स्पेशली टर्किस्तान और नॉर्दर्न चाइना। द मुगल्स हैड हर्ड लॉट्स ऑफ अबाउट इंडियाज ह्यूज वेल्थ। जब वो टर्किस्तान और नॉर्दर्न चाइना जीत रहे थे, तब उन्होंने इंडिया के खजाने के बारे में सुना था, एंड दे वॉन्टेड टू प्लंडर इट, और वो वहाँ पर लूट मचाना चाहते थे। दे मेड द फ्रीक्वेंट अटैक ऑन इट एंड कंटिन्यूसली हैरेस द दिल्ली सल्तनेट, और उन्होंने बहुत बारी अटैक किया, और दिल्ली सल्तनेट मतलब उस टाइम पर जो दिल्ली पे राज करता था राजा, उनको बहुत ही परेशान करते थे। फाइनली 526 AD दे सक्सेड व्हेन देन बाबर डिफीटेड इब्राहिम एट द पानीपत, और फिर वो लोग सक्सेसफुल हुए 526 AD में, जब बाबर ने इब्राहिम लोडी को पानीपत में हरा दिया था, एंड फिर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई इंडिया में। रीजन फॉर द बाबर विक्ट्रीज देखेंगे कि कौन से रीजन रहे थे कि बाबर जीते। ठीक है, अबाउट हिज विक्ट्री एट द पानीपत, बाबर हैज रिटन इन हिज बायोग्राफी टुज़क के बाबर दैट द माइटी आर्मी ऑफ वॉज लेट टू द दस इन दिन कोर्स ऑफ अ हाफ अ डे। देखने जाए तो बाबर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि उसकी जो आर्मी थी उसने इतना कमाल कर दिया कि उसको पानीपत की लड़ाई को जीतने में सिर्फ आधा दिन लगा। वन ऑफ द रीजन ऑफ हिज सक्सेस वॉज हिज यूज ऑफ द आर्टिलरी इन दिन एज सुन एज द बाबर आर्टरी इज ओपन फायर। देखने जाए तो उसकी आर्टिलरी, उसकी जो स्किल थी, वो एक रीजन माना जाता है। कहने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एज सुन एज बाबर आर्टरी इज ओपन फायर, जब ओपन फायर करते थे, द वॉर एलिफेंट यहाँ पे उनका पिक्चर दिया हुआ है बाबर का, उनका फाउंडेशन पीरियड, उन्होंने कौन सी बैटल लड़ी थी, किन को हराया था, और उनके सक्सेसर कौन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑफ इब्राहिम लोडी और फ्राइटन, और ओपन फायर करने की वजह से जो इब्राहिम लोडी थे वो थोड़े डर गए थे। दे ट्रैम्पल डाउन देयर ओन सोल्जर्स, और उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को मना कर दिया था आगे लड़ाई करने से। एंड मोर ओवर बाबर हैड हाईली ट्रेन हॉर्समैन, बाबर के पास हॉर्समैन भी इतने अच्छी तरीके से ट्रेन किए गए थे कि पूछो मत। ही अरेंज हिज हॉर्स इन सच अ वे दैट दे कुड बी ईजिली मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अदर इन द बैटल फील्ड। उन्होंने अपने घोड़ों को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन किया था कि जब लड़ाई हो रही होती है, वॉर हो रही होती है, तो उनके इशारों पे घोड़े एक जगह से दूसरी जगह पे, एक निर्धारित जगह पे आ जाते थे, और उनको बैटल लड़ने में आसानी हो जाती थी। हुमायूं 1530-40 and 1555-56 ये बाबर का सक्सेसर है। आफ्टर द बाबर्स डेथ हिज सन हुमायूं सक्सेडेड टू द थ्रोन इन 1530 AD। बाबर हैड लेफ्ट अ वास्ट एम्पायर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बडाकस्तान इन देन सेंट्रल एशिया टू द बिहार इन इंडिया। देखने जाए तो बाबर की डेथ के बाद उनके हुमायूं बेटे, जो बेटा था उनका, बड़ा बेटा, वो गद्दी पे बैठा था, और बाबर ने जो भी जीता था, बदागस्तान जो सेंट्रल एशिया में एक जगह है, वहाँ से लेकर बिहार तक का पूरा एरिया हुमायूं को ऐसे ही मिल गया था। बट ही हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, बट हुमायूं के पास कोई टाइम ही नहीं था उसको मैनेज करने का, उसको इकट्ठा करने का, उसको कंसोलिडेट करने का। हुमायूं हैड डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको बहुत सारी मुश्किलें आई जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। हुमायूं डिफिकल्टी द अफगान्स एंड देन राजपूत्स किंग इन एन इंडिया रिगार्डेड मुगल्स एज एन फॉरेनर। पहले के ज़माने में जो राजपूत्स और अफगान्स थे उस टाइम पे, जब मुगल की एंट्री हुई थी इंडिया में, तब ये सारों का बहुत ही अच्छा राज चल रहा था, राजपूत और स्पेशली अफगान, तो वो लोग मुगल्स को ना फॉरेनर मानते थे। दे वॉन्टेड टू ड्राइव देम आउट ऑफ द इंडिया, और उनको सिर्फ मुगल्स को इंडिया से बाहर फेंकने में इंटरेस्ट था कि यार इनको घुसने नहीं देना है। द वास्ट एम्पायर हैड नॉट येट बिन कंसोलिडेटेड, एक तो इतना बड़ा एम्पायर, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी अभी तक तय नहीं हुआ था। द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैड नॉट बिन सिस्टमाइज, देखने जाए तो उनकी जो लैंड करने, कलेक्शन करने की जो सिस्टम थी वो भी एकदम इम्प्रॉपर थी। सो द फाइनेंस स्टेट वर पुअर, सो उनका जो फाइनेंसिंग स्टेट था, जो ये सब चीज़ें डिसाइड करता था, वो भी बहुत खराब था। हुमायूं एम्बिशियस ब्रदर्स प्रूव टू बी अ रिबेलियन, हुमायूं के भाई जिसको उनके उनसे जलन थी, वो भी बारी बारी उनके खिलाफ जा रहे थे। हुमायूं ने कितनी वॉर यहाँ पे सक्सेड की और कितनी हारे, उसके बारे में बात करेंगे। हुमायूं सक्सेड इन कॉन्करिंग द प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा। स्टार्टिंग के टाइम में हुमायूं ने
गुजरात और मालवा को जीत लिया, बट द रियल ट्रबल टू द हुमायूं किंगडम वॉज गिवन बाय द फरीद. लेकिन प्रॉब्लम उनको सबसे बड़ा किंगडम जो फरीद से मिला था, फरीद मतलब शेरशाह सूरी के बारे में उनका यूजुअल नेम, उनका पहले का नेम है फरीद, उनसे जो किंगडम मिला था उसको चलाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी. ही अटैक द मुगल आर्मी एट द चौसा इन 1539 AD एंड डिफिटेड दैम. उन्होंने मुगल आर्मी चौसा 1539 AD में उनको हरा दिया था. फरीद बिकम द रूलर ऑफ द बंगाल एंड बिहार एंड अज्यूम. देखने जाए तो फरीद वहाँ पे बंगाल का राजा बन गया था और बंगाल और बिहार का राजा बन गया था एंड उन्हें फिर शेरशाह का टाइटल मिला. ही ऑल्सो डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज. उन्होंने हुमायूं को हरा दिया कन्नौज बैटल में एंड द मुगल्स वर कम्प्लीटली डिफीटेड एंड शेरशाह बिकम द मास्टर ऑफ द दिल्ली एंड आगरा. इस हिसाब से हुमायूं का राज यहाँ पे खत्म हो गया और शेरशाह अल्टीमेटली दिल्ली और आगरा का मास्टर बन गया. द किंगडम विच बाबर हैड अक्वायर वॉज नाउ लॉस्ट. बाबर ने जो भी इतना मेहनत करके जीता था किंगडम, हुमायूं ने सब उसको पानी में मिला दिया था. द अनहैप्पी हुमायूं वैंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ही फाइनली हैड टू लीव सिंध एंड गो टू द पर्शिया. हुमायूं बहुत ही दुखी थे तो वो इंडिया को छोड़कर सिंध चले गए और वहाँ पे उन्होंने सिंध को छोड़ दिया और वो पर्शिया चले गए. पर्शियन शाह वेलकम्स हिम एंड हेल्प हिम टू डिफीट हिज ब्रदर, बट इन द मीन टाइम शेरशाह डाइड हैड डाइड इन 1545 AD. जब वो पर्शिया वापस गए तो जहाँ पे पर्शिया के जो राजा थे पर्शियन शाह, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनका वेलकम किया कि अच्छा ठीक है हुमायूं मेरी मदद करेगा मेरे भाई को हराने में. लेकिन उतने ही टाइम में 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है. देयर प्रिवेल्स कन्फ्यूजन्स एंड द सिविल वॉर फॉर द सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली. इसकी वजह से सबको इतना वो दिल्ली के थ्रोन पर बैठने की फाइटिंग हो जाती है कि नहीं मैं बैठूंगा वैसे करके कन्फ्यूजन और सिविल वॉर बहुत ज़्यादा हो जाती है दिल्ली की सल्तनत को हासिल करने के लिए. हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और हुमायूं ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता है. इन नवंबर 1554 AD ही मार्च टूवर्ड दिल्ली. 1554 में मतलब लगभग 15 साल के बाद जहाँ पे वो गया था, 15 साल के पहले वो चला गया था पूरा सिंध छोड़ के पर्शिया में और 15 साल के पास वापस आ रहा है दिल्ली को मतलब दिल्ली पर हमला बोलने के लिए देखने जाए. और उसने वो सक्सेसफुल हो जाता है हुमायूं और लाहौर दिल्ली और आगरा जीत लेता है. आफ्टर 15 ईयर हुमायूं सक्सेड इन रिगेनिंग हिज किंगडम. 15 साल की मेहनत के बाद हुमायूं को वापस उसका किंगडम वापस मिल जाता है. हुमायूं कुड नॉट लीव लॉन्ग आफ्टर दिस सक्सेस. Only 7 month later, he died on the 24th January 1556 due to the accidental fall from the stairs of the library in Delhi. देखने जाए तो हुमायूं ज़्यादा देर तक ये उसकी जो खुशी है विक्ट्री है उसको इन्जॉय करने के लिए नसीब में ही नहीं था उसका, क्योंकि उसकी खुद की ही लाइब्रेरी जो दिल्ली में होती है उसके स्टेयर से गिर के उसकी मौत हो जाती है 24th जनवरी 1556 में. शेरशाह सूरी 1540-45 के बारे में देखेंगे. उनका इनिशियल नाम फरीद है, मैं पहले ही बता दूं आपको कन्फ्यूजन ना हो कि उनका इनिशियल नेम फरीद है. फिर उन्होंने यहाँ पे जब हुमायूं को हराया था तब उन्हें टाइटल मिला था शेरशाह, सो दैट इज़ वाई वी यूजुअली नोन हिम एज अ शेरशाह सूरी. शेरशाह वॉज अ सन ऑफ अ नोबल. शेरशाह एक्चुअली एक जहांगीरदार के बेटे थे जो जौनपुर बिहार में था. उनका रियल नाम फरीद था, उनकी पिक्चर कुछ इस हिसाब से. फरीद वॉज एम्बिशियस जनरल और बहुत ही एम्बिशियस थे. उन्हें इनके बहुत सारे ख्वाब थे कि उनको ये करना है वो बहुत करना है. और देखने जाए तो उनका देखने जाए एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था. ही एम एट द ड्राइविंग एट द मुगल आउट ऑफ द इंडिया टू री एस्टेब्लिश अफगान पावर. उनका एक ही एजेंडा था कि उनको मुगल को भगाना है और अफगान के पावर को वापस से लाना है. ही डिफीटेड हुमायूं 2 times, वन एट द चौसा इन 1539 AD एंड अनदर टाइम एट द कन्नौज इन 1540 AD. उन्होंने एक बारी दो बारी हुमायूं को हराया, एक बारी तो चौसा युद्ध में और दूसरी बारी कन्नौज युद्ध में. ही देन ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली और उनके बाद उनको दिल्ली का थ्रोन मिला एंड टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह सूरी. उनके बाद उनको शेरशाह सूरी का टाइटल मिला. ही ऑर्डर द कुतबास टू बी रीड एंड कॉइन टू बी मेड इन द नेम. उन्होंने ऐसा था कि कुतबास उनका जो होली बुक होता है वो पढ़ा जाए, ये फॉलो किया जाए और जो कॉइन्स इश्यू करवाए उनके नेम पे और वही चले उनके राज में. द ब्रेव वॉरियर एंड द सक्सेसफुल जनरल शेरशाह डाइड ऑफ अ एक्सीडेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ द गन पाउडर ड्यूरिंग द सीज ऑफ अ कलिंगजर इन 1545 AD. जब कलिंगजर एरिया को सीज करने जा रहे थे तो उनकी गन पाउडर के एक्सप्लोजन से फूटने से उनका एक्सीडेंशियल मौत हो जाता है. ही वॉज बरीड एट देन सरसारम इन देन बिहार इन ब्यूटिफुल टॉम. उनका टॉम बाजू में बताया हुआ है और वो अभी भी बिहार में है और उनकी टॉम बनाई गई इस हिसाब से. शेरशाह बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट मतलब आप बोलो ना तो हुमायूं से भी ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत ही अच्छे ब्रेव राजा थे. क्यों वो अच्छे थे? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, उसके बारे में पढ़े गए. शेरशाह वॉज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर. ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. सम ऑफ दिस आर मैंशन बिलो. कुछ जो मेजरमेंट है जो उनके टाइम में चलते थे उनके बारे में पढ़ेंगे.
ही पेड हिज आर्मी बोथ द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स सैलरीज इन देन कैश रेगुलरली. वो अपने जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से रखते थे, कैश में सैलरी पे करते थे, वो भी रेगुलर पर्टिकुलरली टाइम पे. फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल शेरशाह बिल्ट एंड मैनी रोड, लोगों के अच्छे के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे. उन्होंने ग्रैंड टर्क रोड बनाया था कलकत्ता से लेके पेशवर तक. दिस रोड वर लाइन विद द शेडी ट्रीज वेल एंड द रेस्ट हाउस. उन्होंने रस्ते के आजू बाजू ट्रीज लगवाए थे, कहीं कहीं पर रेस्ट हाउस बनवाए थे ताकि जो ट्रैवलर्स है वहाँ पर रेस्ट कर पाए. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स नोन एज अ टनका और रुपया. उन्होंने अपने टाइम में सिल्वर और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस करवाए थे जिनका नाम था टनका एंड रुपया. ही स्टार्टेड द न्यू पोस्टल सिस्टम्स बाय द यूजिंग द हॉर्सेस. उन्होंने एक पोस्टल सर्विस यूज कराई थी जहाँ पे हॉर्सेस की मदद से लेटर को यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता था. द रेस्ट हाउस और देन सराइज ऑन देन जी टी रोड वो ऑल्सो यूज और द धाक चौकी. देखने जाए तो चौकी बना दी गई थी ताकि वहाँ पे लेटर एक चौकी से दूसरी चौकी पर जाए. एट द एवरी डाक चौकी देर वॉज अ टू हॉर्स रेडी टू रिसीव द डाक फ्रॉम देन प्रीवियस चौकी. और वहाँ पे हमेशा दो हॉर्स होते थे, एक चौकी से लेटर रिसीव करके दूसरी चौकी तक लेके जाते थे एंड डिलीवर टू द नेक्स्ट चौकी और फिर वैसे करके वहाँ से दूसरी चौकी पहुँचाते थे. शेरशाह डिवाइड द एम्पायर इनटू 47 प्रोविंस जिसको सरकार बोलते हैं. उन्होंने अपने प्रोविंस को डिवाइड कर लिया था. अब पता ही है कि पूरा किंगडम अकेले तो चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने प्रोविंस में डिवाइड कर दिया सरकार को. ईच सरकार यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, हैड टू चीफ ऑफिसर्स. हर सरकार के अंदर दो चीफ ऑफिसर्स होंगे, एक जो है लॉ ऑर्डर फॉलो कराने का काम करेगा और दूसरा लैंड रेवेन्यू और जज का काम करेगा. अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा. शेरशाह ग्रेटली इंप्रूव द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ हिज एम्पायर. शेरशाह ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी रेवेन्यू सिस्टम संभाली थी. लैंड रेवेन्यू उन्होंने फिक्स रखा था अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल मेजरमेंट और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, लैंड से क्या ग्रो हुआ है उस हिसाब से वो अपना जो रेट है वो फिक्स रखते थे. आफ्टर द शेरशाह डेथ इन 1545 AD हिज सन सल्तनत इस्लाम सुल्तान इस्लाम शाह सक्सेडेड टू द थ्रोन. शेरशाह के मरने के बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठा, बट वो ही इज टू डाई यंग इन द नवंबर 1554 डिसऑर्डर सून फॉलो. देखने जाए तो वो भी 1554 में मर गया था, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया, उनका किंगडम वहीं पे एंड हो गया. दिस टाइप ऑफ डिस्टर्ब सिचुएशंस अनेबल हुमायूं वंस अगेन टू गेट बैक हिज किंगडम. और यही ड्यूरेशन में ये चीज़ का फ़ायदा उठाकर हुमायूं वापस से 15 साल के बाद गेट बैक होते हैं, अपना पूरा किंगडम वापस से जो उसके नसीब से चला गया होता है वो वापस से मुगल्स के हाथ में आ जाता है और इस हिसाब से मुगल साम्राज्य की वापस से शुरुआत हो जाती है. हम लोग पढ़े अकबर एक्सेसन 1556. हुमायूं डाइड सडनली ड्यू टू एन एक्सीडेंशियल फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन 1556 AD. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हुमायूं का मृत्यु हो गया था उनकी लाइब्रेरी से गिरने की वजह से. एट द टाइम द अकबर वॉज एट देन कालानौर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुरदासपुर ऑफ द पंजाब. और अकबर उस टाइम पर पंजाब में थे. ही वॉज क्राउडेड देर इन एन सिंपल सेरेमनी एट द टेंडर एज ऑफ 13 years and 4 months. और वो टाइम पर वो सिर्फ 13 साल के और 4 महीने के थे. बैरम खान जो उनके ट्यूटर और गार्डियन थे उन्होंने अकबर को सारे जो रेजिमेंट है जो सारे जो अकबर के जो डिसीजन है वो लेने में मदद की थी. अकबर की पिक्चर यहाँ पे दी हुई है. उनका एक्चुअल नेम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके पापा का नाम है तिमुरिन. उनके फादर्स उनकी फैमिली का नेम है तिमुरिन. उनके पापा का नाम है नशरुद्दीन हुमायूं. अकबर द ग्रेट एम्परर उनका टाइटल है. उनका बॉर्न डेट दिया हुआ है. प्लेस है सिंध अमरकोट. उन्होंने मेजर जो बैटल लड़ी थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556. और मेजर अचीवमेंट है फतेहपुर सिकरी उन्होंने बिल्ड किया था. उनकी डेथ 1605 में हो गई थी. एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर बाय द अकबर देखेंगे. इन 1556 अकबर गार्डियन बैरम खान डिफीटेड द हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपुत. 1556 में जो अकबर के गार्डियन थे बैरम खान उन्होंने हेमू को सेकंड बैटल ऑफ पानीपुत में हरा दिया था और आगरा ग्वालियर दिल्ली उनके नाम कर लिया था. 1564 में अकबर ने गोंडवाना अटैक किया था और जीत लिया था. अकबर ने अपनी आर्मी को अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए बहुत अच्छे रिलेशन रखे थे राजपूत के साथ. इन 1572 उन्होंने गुजरात भी जीत लिया था. अकबर नेक्स्ट एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया. अकबर ने आगे चल के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को भी जीत लिया था. एंड ही सीरीज ऑफ द कैंपेन उनके कैंपेन में ही कौन कर काबुल कश्मीर खंदर लोअर सेन एंड द वेस्टर्न बलूचिस्तान ये सारे एरिया उन्होंने जीत लिए थे. यहाँ पे एक बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी जिसके नाम ये फतेहपुर सिकरी में है और ये अकबर ने बिल्ड करवाया था. गुजरात में है ये. द डेक्कन कैंपेन देखेंगे 1591 to 1601 AD. अकबर्स फर्स्ट मूव वॉज एन अगेंस्ट द अहमदानगर. देखने जाए तो अकबर का पहला मूव अहमदानगर पर था. किंगडम वॉज ब्रेवली डिफेंडेड बाई द चंद बीवी और पूरा किंगडम ना प्रोटेक्शन के अंदर था. चंद बीवी में चंद बीवी पर्सन है
ओनली सम ऑफ पार्ट वॉज अनेक्स बाय द मुगल, और मुगल थोड़े ही एरिया जीत पाए. इन 1601 अकबर इन्वेंटेड खानदेश एंड कैप्चर दिस फेमस फोर्ट ऑफ बुरहानपुर एंड देन अजरगढ़. यहाँ पे देखने जाए तो 1601 में उन्होंने खानदेश को जीत लिया था, और फिर धीरे धीरे करके जो वहाँ के फेमस फोर्ट थे बुरहानपुर और अजरगढ़ वो जीत लिया था. अकबर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. अकबर वॉज नॉट ओनली द ग्रेटर एम्पायर बिल्डर बट ऑल्सो द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. वो सिर्फ अच्छे एम्पायर को बढ़ाने वाले नहीं, लेकिन बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे. हिज एडमिनिस्ट्रेशन शो द मिक्सचर ऑफ द इंडियन सिस्टम. उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक फ्यूजन देखने को मिलता है, एक इंडियन सिस्टम का भी और मुगल सिस्टम का भी. और मुगल्स ये चीज़ें सेंट्रल एशिया और पर्शिया से बोरो करके आए थे. मतलब यहाँ पे फिक्स एकदम मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा इंडिया का और मुगल का, सेंट्रल एशिया का और पर्शिया का. अकबर है एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ मेन फीचर्स आर डिस्कस बिलो. उनके नीचे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. ऑल द पावर ऑफ द एम्पायर वो सेंट्रलाइज एंड हेडेड बाय द किंग. सारे जो पावर है ना वो देखने का काम पहले तो अकबर के राज में अकबर ही करता था. ही हैड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम. और उनके पास पूरी मिनिस्ट्री थी, जो अभी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी मिनिस्ट्री होती है, उस हिसाब से जो इनको मदद करते थे अलग अलग डिसीजंस लेने में. पंचायत सिस्टम वॉज ड्यूली रिकोगनाइज एंड इट्स लुक आफ्टर द विलेज अफेयर. पंचायती सिस्टम अलग कर दी गई थी गाँव के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए. मनसबदारी सिस्टम देखेंगे, जो अकबर की एक और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में से एक माना जाता है. अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम. द लिटरल मीनिंग उसका मतलब हो गया है ऑफिस और द रैंक ऑफ डिग्निटी. जिनको जितना अच्छा काम है उनको उतना रैंक दिया जाएगा. उसकी वजह से सामने वाले को ऐसा लगा कि नहीं, मैं अच्छा काम करूंगा स्टेट के लिए तो मुझे और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी. इन दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर ऑफ द नोबल वॉज कॉल्ड द मनसबदार. ही वॉज गिवन द मनसब और अ रैंक. उनको मनसब दिया जाता है, ये मतलब रैंक दिया जाता है. द मुगल मनसबदार वॉज अ हाईली पेड ऑफिसर. और जिनको मनसबदारी मिलती है उनको बहुत ही अच्छा पेमेंट मिलता है, फी मतलब उनके सैलरी के फॉर्म में. दे वर गिवन द हैंडसम जागीर फॉर दर पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हॉर्स एलिफेंट कैमल कार्ड. और ये सब चीज़ें रखने के लिए एक अलाउंस मिलता है. देखने जाए तो उनको बहुत ही अच्छी जागीर मतलब हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, ताकि वो लोग घोड़े रख पाए, एलिफेंट रख पाए, कैमल कार्ट, ये सब चीज़ों का जो भी मेंटेनेंस है वो राजा देता था. मतलब देखने जाओ तो एकदम रिच ही रिच काइंड ऑफ अ फीलिंग आएगी. मतलब आप राजा के अंदर काम करो फिर भी यू हैविंग ऑल द फैसिलिटीज. यहाँ पे पूरा सिस्टम बताया हुआ है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव में. एम्पायर अकबर के नीचे 15 सूबास होते हैं, फिर सरकार, फिर परगनाज एंड विलेज. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही है. स्टेट 28, 9 यूनियन टेरिटरी, फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और विलेज. आपने दोनों के बीच में कंपैरिजन किया होता होगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकबर ने आज से लगभग 500-600 साल पहले की, मतलब 500-600 भी नहीं, मतलब आज से 400-500 साल पहले ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी थी. मतलब ही इज़ दैट ब्रिलियंट कि उनको तभी पता चल गया था कि ये सिस्टम मैं ऐसे चलाऊंगा. द रैंक ऑफ द मनसबदार वॉज नॉट हेरिडिटरी. और ये जो मनसबदारी है वो हेरिडिटरी नहीं चलेगी, आपको वो हासिल करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी वो मनसबदारी हासिल करने के लिए. रैंक वॉज हेल्ड बाई द ऑफिसर्स ओनली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सो वो जब तक जिंदा है तब तक ही वो रैंक अवेलेबल रहेंगे. उनकी फैमिली को कोई एडवांटेज नहीं होगा पीछे जाके. अगर किसी को मनसबदारी हासिल करनी है तो उनको उस हिसाब का काम करना पड़ेगा. आर्मी देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस द अकबर मेंटेन द रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी ऑफ हिज ओन विच वॉज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल. अकबर बहुत ही अच्छी आर्मी रखते थे, वो जो डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रखते थे एक्चुअली पूरी आर्मी को. इट वॉज अ हाईली ट्रस्टेड आर्मी डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय हिम. देखने जाए तो वो आर्मी को खुद रिक्रूट करते थे कि मेरे को ये सोल्जर्स चाहिए, ये सोल्जर्स चाहिए. वैसे द एम्परर ऑल्सो हैड अ वेल ट्रेन आर्चरी एंड द स्टेबल ऑफ द वॉर एलिफेंट. एम्परर के पास बहुत ही अच्छी जो वेपन्स और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, और वॉर एलिफेंट भी थे. द कैवलरी वॉज मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मुगल आर्मी एंड द ट्रूप वर मोस्टली प्रोवाइड बाय द मनसबदार. और ये सारे जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स है, फिर एलिफेंट्स है, हॉर्सेज है, ये मनसबदार प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए तो राजा पैसे दे ही रहे थे. हाउएवर द नेवल फोर्स अंडर द अकबर रिमेन इन इट्स इन्फेंटेसी. और जो नेवल फोर्स है वो अकबर के अंदर कंट्रोल में रहती थी. ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे. द एम्परर रूलर विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स हेडेड बाय द एम्पायर हिमसेल्फ. जो ऑफिशियल्स थे, एम्परर जो रूल करते थे ऑफिशियल्स की मदद से, वो एम्परर खुद हेड करते थे. वज़ीर और मीर बख्शी ये उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं. वज़ीर का काम था रेवेन्यू सिस्टम चलाना, उनका हेड होना, और मीर बख्शी का काम था पे मास्टर, जिसका वो उनको आर्मी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है आर्मी की सैलरी पे करना एंड ऑल दैट. ही लुक आफ्टर द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्परर यूज टू होल्ड द मीटिंग विद हिज सीनियर. और यहाँ पे एम्परर मीटिंग होल्ड करते थे अपने सीनियर के साथ.
ऑफिसर्स एंड देन दीवाने खास, एक जगह है दीवाने खास, वहाँ पे मीटिंग अरेंज करते थे. ही वॉज ऑल्सो ईजिली अवेलेबल टू द पीपल डेली. ही वुड अपियर एट द बालकनी ऑफ हिस पैलेस और वो लोगों से भी मिलते थे हर रोज, बालकनी के बाहर आते थे एंड गिव हिम अ ग्लिम्स इन वॉट नोन एज अ जरोखा दर्शन. और उसको बोलते हैं जरोखा दर्शन, जब वो एक बार ही दिन में बाहर निकलते हैं और लोगों को दर्शन देते थे. ही वुड मीट हिज पीपल इन द दीवाने आम ऑफ हिस पैलेस वेयर ही वुड लिसन टू देयर पिटिशंस. देखने जाए तो दीवाने आम में आम जनता आती थी अपनी प्रॉब्लम्स लेके और वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे. द प्रोविंशियल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.